सो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास में अब क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन में गिवन है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। ओके, हमारे पास में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होते हैं, जिसमें हमारे पास में अलग अलग कैटेगरी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, जैसे रेडियो वेव्स होती है, इंफ्रारेड वेव्स होती है ना, विजिबल स्पेक्ट्रम होता है हमारे पास, अल्ट्रावायलेट होती है, एक्सरेज होती है। तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इफेक्ट अलग अलग होता है और कौन सा इफेक्ट किसका होता है, यहाँ से बताना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ए पार्ट की, और ए पार्ट में वो बोल रहे हैं प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। ओके, तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, वो होता है इन्फ्रारेड वेव। कौन सा होता है? इन्फ्रारेड वेव, है ना। अगर कोई चीज़ हमको गर्म लग रही है, ठीक है, और वो जो रेडिएशन वहाँ से मिल रहे हैं, वो कैसे मिल रहे हैं? इन्फ्रारेड रेडिएशन मिलेंगे। ओके, जैसे कि आयरन गर्म हो रहा है, और अगर हम उसके पास में जा रहे हैं, तो हमको हीटिंग इफेक्ट लग रहा है ड्यू टू द इन्फ्रारेड वेव्स। इफ़ द बी पार्ट हम देखेंगे, इज़ एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर इन एटमॉस्फेयर, है ना। ये तो बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से हमको मिल रही है, ओजोन लेयर उसको क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, और हमको ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पर हमारे पास में अल्ट्रावायलेट रेज जो होगी, वो होगा इसका ऑप्शन, अल्ट्रावायलेट रेज, है ना, यूवी रेज जो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है एटमॉस्फेयर में। तो हमारा सेकंड बी का ऑप्शन जो है, उसका आंसर है अल्ट्रावायलेट रेज। सी वाले पार्ट की बात करेंगे, इज यूज फॉर स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का यूज़ करने के लिए हम जनरली एक्सरेज का यूज़ करते हैं। ओके, किसका यूज़ करते हैं? एक्सरेज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास में तीन अलग अलग कैटेगरी की वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इसका लास्ट वाला पोर्शन हम पढ़ते हैं, राइट एनी वन मैथड टू प्रोड्यूस ईच ऑफ अबव रेडिएशन। ओके, तो यहाँ पर जनरली अगर हम, जैसे सन से हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिल रही है, तो वहाँ पर सारी वेव्स मिलती है, क्यों? क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो बाय हीटिंग, है ना, बाय पासिंग करंट थ्रू एनी एलिमेंट, ओके, तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा, और वहाँ से इंफ्रारेड वेव प्रोड्यूस हो सकती है, वहाँ से यूवी रेज प्रोड्यूस हो सकती है। यूवी रेज प्रोड्यूस करने के लिए हमको कुछ स्पेशल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, जैसे कि वेपर बनाना पड़ता है, और फिर वो यूवी रेज प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एक्सरेज बनाने के लिए हमको, यहाँ पर एक्सरेज कैसे बनती है, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, उसका जस्ट अपोजिट फिनोमेना होता है। फोटो इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस पे उसकी बम्बार्डिंग करते हैं, तो वो उसके ऑर्बिट में जाके एक पोजीशन ले लेता है, और फिर वो एनर्जी रिलीज करता है, फोटोन रिलीज करता है, और उसके बिहाफ पे हमको एक्सरेज मिलती है ना। तो ये अलग अलग मेथड हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।